हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स क्या कुछ हैं, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे। तो अगर आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ हो रहा है, तो इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखना। रीडिंग आपसे जितनी भी रेजोनेट हो, उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आता है। तो ये जेंडरलेस रीडिंग है, आप अपने पर्सन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ हो रहा है। ओके प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ बताएं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पर्सन के बीच में किस तरह की सिचुएशन है, क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे। सो वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, दो किंग, नाइन ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स। प्लीज यूनिवर्स हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। नाइट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सोर्ड, एट ऑफ सोर्ड। ओके, वी हैव द डेथ एंड द एम्परर। बॉटम से हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड भी आ गए हैं, जस्टिस हर्मेट, जस्टिस हर्मेट एंड एट ऑफ कप्स। क्या बात है। तो ये व्यूवर्स कुछ कार्ड आए हैं, थोड़ा कैमरा एडजस्ट करती हूँ मैं। ओके व्यूवर्स, तो आई होप आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, अभी हम फिलहाल आपकी बात नहीं करेंगे, अभी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की बात हो रही है, राइट? तो आप अपने आप को इसमें फिट इन करने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पर। अगर आप देखे होंगे हमारे पास यहाँ पर किंग एनर्जी काफ़ी सारी आई है, और एम्परर सबसे हाईएस्ट एनर्जी भी आई है, जो कहीं ना कहीं मस्कुलाइन एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि सबसे पहले थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में एक तरह का मैं कंट्रोवर्सी को देख पा रही हूँ। जैसे कि अगर वो कहीं ना कहीं, मतलब एक रिलेशनशिप और एक अनार सो बीमार वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छे से फिट होती है। क्यों? कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ तो सही नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के साथ में भी हो सकता है ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, लेकिन जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो यही दिखाती है कि थर्ड पार्टी में रहते हुए आपके पर्सन अपनी लाइफ में ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे कि उनसे कुछ गड़बड़ हुई है, उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, और गलतियां ऐसी हैं जिनसे वो फंस गए हैं, जिनसे वो ट्रैप हो गए हैं, जिनसे वो निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ करने के लायक ही नहीं बचा या नहीं बची, ठीक है, मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ, कैसे ओवरकम करूँ, क्या हो रहा है ये मेरी लाइफ में, मैं संभाल नहीं पा रही है, संभाल नहीं पा रहा, ठीक है। गए तो यही थे खुशी खुशी, गए तो यही भागे थे आपके पर्सन, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपके पर्सन का एक ऐसा एस्पेक्ट देख पा रही हूँ जैसे कि आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी के बीच में एंडिंग की एनर्जी गाइज आना यही दिखाता है कि किसी एक पर्सन का वहाँ पे, मे बी आप या आपके थर्ड पार्टी का किसी और के साथ में हो सकता है, जैसे कि या तो वो किसी और के साथ में मैरिड हो, क्योंकि मुझे मैरिड एनर्जी यहाँ पे बहुत मिल रही है। आज अगर सच बताऊँ तो मैं, मुझे एक ऐसी एनर्जी मिल रही है जो कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी को एक दर्शाती है, एक मैरिड को दर्शाती है। या तो आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं या फिर वो थर्ड पार्टी मैरिड हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक पर्सन की लाइफ में दो पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे। और स्ट्रांगली जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही वो यही दिखाती है कि अगर आपके पर्सन आपके साथ में मैरिड हैं तो वो आपके साथ में भी डबल हैं, और आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी है तो वो उसके साथ में भी कोई ना कोई डबल है, यानी आपके पर्सन और कोई और। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि स्वरूप बिखरे हैं, स्वरूप मतलब बहुत कुछ ऐसा आया है निकल के बाहर जो कि रियलिटी से परे है, मतलब जो सोचा नहीं गया था उस तरह की चीज़ें, घटनाएँ उनके रिश्ते में घट रही हैं,
राइट अब इसको एक्सप्लेन करते हैं बहुत इजी वे में. सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मुझे एक एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जैसे किसी तरह का कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं. राइट जो डिसीजन इन्होंने पहले भी लिया है पर सही नहीं लिया है और जिसको इन्होंने रिविजिट किया है, रीथिंक किया है. क्योंकि यहाँ पे हर्मिट आना ही यही दिखाता है कि इंसान को अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जिससे वो सेटिस्फाई फील नहीं कर रहा है. बहुत कुछ ऐसा है उसकी लाइफ में जिसको वो बदल देना चाहता है या बदल देना चाहती है. क्योंकि मैं ऐसा ही देख पा रही हूँ यहाँ पे कि आपके पर्सन जैसे कि ये किसी तरह की एक नई जर्नी को शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं. इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी लाइफ स्टक हो गई है, रुक गई है, पॉज हो गई है. जस्ट बिकॉज कि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे कहीं ना कहीं काम किए हैं, कुछ ऐसे रिश्ते डेवलप किए हैं जिनको अब इनको सही नहीं लगता है. इनको क्या सही नहीं लगता है? इनको ये सही नहीं लगता है कि इवन ये हो सकता है कि आपके पर्सन को अपने पैसे पे, अपनी पावर पे, अपने स्टेटस पे, अपनी लाइफ पे, अपने अपनी जॉब पे, ठीक है, अपनी सोशल लाइफ के ऊपर इनको बड़ा ही वो था, या फिर अपने अपने एज पे, एज फैक्टर भी कुछ ऐसा होता है कि इंसान कभी कभी कहते हैं ना एज के गुमान में या फिर अपनी फिजिकल एनर्जी के गुमान में, अपने अपनी यंगरनेस के कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसे काम कर जाता है कि जब उसको जब वो एक एज मेच्योरिटी में आता है तब उसको लगता है कि कहीं ना कहीं यार ये मैंने क्या बचकाने वाली हरकतें की थी. उस समय पर जब वो घटनाएँ हो रही थी तब वो सही लगता था क्योंकि हमें सब उस सिचुएशन से बाहर निकलना था, हमें वो सिचुएशन हैंडल करनी थी. उस समय जो सही लगा किया, चाहे वो इथिकल हो या नॉन इथिकल हो, लेकिन किया. लेकिन आज इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारे काम अनइथिकल तरीके से किए हैं जो इनके खुद के एस्पेक्ट के हिसाब से भी सही नहीं है. अब आपके पर्सन चाहते क्या हैं? अब यहाँ पर आपके पर्सन मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये अपनी लाइफ में उस थर्ड पार्टी के साथ में भी होते हुए भी एक नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं, ठीक है. और ये कहना चाहते हैं जैसे लोगों से चीख चीख के कि तुम मैं जैसे मैंने गलती करी है तुम गलती मत करो, जैसे मिस्टेक्स मैंने कर दी हैं तुम मत करो. ये जैसे कि कहते हैं ना एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं और वही एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो आप दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, बताना चाहते हो, सो दैट कि आपसे जो गलती हुई वो दूसरा इंसान ना करे. तो आपके पर्सन को यहाँ पे रियलाइजेशन हो रहा है कि इनसे कितनी सारी गलतियाँ हो चुकी हैं. एक नंबर यहाँ पे बात ये निकल के आती है. दूसरा ये निकल के आता है कि कहीं ना कहीं आपके थर्ड पार्टी का जो एस्पेक्ट है वो ये दर्शाता है कि हो सकता है कि जो एनर्जी मुझे मिल रही है कि थर्ड पार्टी ये एक फैमिली पर्सन है. मोस्ट ऑफ द केसेज में ये फैमिली पर्सन है. इस पर्सन ने आपके पर्सन से रिश्ते इसीलिए बनाए कि इनके पास में पैसा, पावर या अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस, अच्छी स्टेबल लाइफ हो सकती है, या ये बहुत अच्छे दिखने वाले होंगे कि फिज़िकली बहुत अच्छे फिट होंगे, जैसे कि अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना, अपने आप को यंग एंड स्मार्ट एंड चार्मिंग दिखाना, कुछ ऐसा कि जो आपके पर्सन से आपके उस थर्ड पार्टी को मिल रहा था. लेकिन अब धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट आपके पर्सन में जैसे कि कम होता जा रहा है क्योंकि आपके पर्सन की या तो एज बढ़ रही है, राइट, या वो जो पर्सन है उसको अपनी फैमिली ज़्यादा समझ में आ रही है. तो एक ये एस्पेक्ट मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है. जैसे कि होता है ना एक नियर बाय एक मेच्योरिटी को डेवलप करे, जैसे अबव नियर बाय अबव 35 to 40, 45 के नियर बाय जो एनर्जी होती है, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे मिल रही है जो यही दर्शाती है एक मेच्योर इंसान को जो कि अब उसको समझ में आने लगा है, ठीक है. एक एक ऐसा रिश्ता मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जैसे कि एक पर्सन बहुत ही मेच्योर है एज में और एक पर्सन यंग है अभी अभी, जैसे कि वो अबव नियरली 30 to 35 के नियरली एज में है, है ना. नियरली 30 से मान के चलें कि 28 से लेके 35, एक पर्सन इतनी एज में है और एक पर्सन 35 से अबव नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे. तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन मुझे मिल रहा है जो यही दर्शाता है कि अब आपके पर्सन को भी समझ में आने लगा है कि ये कितनी एज में आने लगे हैं और वो उस पर्सन को भी समझ में आने लगा है कि अब इस पर्सन के अंदर वो बात नहीं रही या फिर ये उतनी मेरी मदद नहीं कर सकता जितनी मुझे ज़रूरत है, राइट. तो ये एक सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. अब इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि दोनों ही पर्सन, आपके पर्सन और वो पर्सन, दोनों ही पर्सन अपनी लाइफ में अपनी अपनी जगह पे ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये हमसे क्या हो गया,
ठीक है। और इसीलिए देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ें अनक्लियर होने की वजह से इन दोनों के बीच में, जैसे कि इन दोनों के बीच में कुछ बातें अनक्लियर हैं और इस वजह से इनका भी रिश्ता एंडिंग में चल रहा है। राइट, रिश्ता एंडिंग है आपके पर्सन, या फिर वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अप्रोच नहीं कर रही और आपके पर्सन चाहते हैं कि वो उसको अप्रोच करे, इवन दो आपके पर्सन की भी एज ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर आप देख लो ना किसकी एज क्या है, क्योंकि हम इस तरह से रीडिंग को जनरल बेसिस पे एकदम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अप्रोच की कमी नज़र आ रही है। जिस तरह से अप्रोच चाहिए, सामने वाला पर्सन उस अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो मना कर रहा है, वो डिनाई कर रहा है कि नहीं, मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है, लेकिन अब मैं इन चीज़ों को आगे लेके नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। ठीक है, मुझे मेरी फैमिली पे फोकस करना है, मुझे मेरी लाइफ पे फोकस करना है, सो दैट मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैं उनको निभा सकूँ, उनको वक्त रहते संभाल लूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे कि आप आपके पर्सन का एक विज़न यहाँ पे चेंज है, एक विज़न यहाँ पे बदला हुआ है उनको, यही है कि अब इनको कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है जो उन्होंने नहीं निभाई हैं। राइट, तो इस रिश्ते में जो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे एक संन्यास वाली एनर्जी मिल रही है, संन्यास वाली, आप समझ रहे हो ना, थर्ड पार्टी में भी, जैसे कि हाँ यहाँ पे एक एक समझौता सा हो रहा है और यहाँ पे एंडिंग चल रही है, और आपके पर्सन को भी समझ में आ चुका है कि टाइम आ चुका है मूव ऑन करने का, इसीलिए ये डिसीजन की एनर्जी यहाँ पर आई है, चेंज करने की, डिसीजन चेंजिंग की जो एनर्जी मिल रही है। राइट, तो चलो कुछ और कार्ड्स के थ्रू यहाँ पे क्लेरिफिकेशन लेते हैं। तो चलिए एंजल गाइडेंस कार्ड लेते हैं अब आपके लिए, कि यहाँ पे आपके पर्सन का और आपको लेके क्या माइंड सेट है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के प्रति इनके पर्सन का क्या माइंडसेट है, क्या चाहते हैं ये। फाइव ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, देखो सिक्स ऑफ सोर्ड एंड द सिक्स ऑफ वैंड, वी हैव द हाई प्रेस्टेस, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड, सारे ही आ गए यहाँ पे आज, तो सारे के सारे किंग आ गए हैं। तो जब सारे किंग आ जाए ना व्यूवर्स, तो आप समझ लो कि बहुत सारी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्ट्रोवर्सी दोनों नज़र आ रही है। तो अब मैं यहाँ पे आपके पर्सन का आपको लेके माइंडसेट बता रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पर्सन को एक अपनी लाइफ में एक ड्रामा जो है इन्होंने खुद क्रिएट करा है, उसको सॉर्ट आउट करना है, प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, विद अ हायर अंडरस्टैंडिंग और डिप्लोमेसी के साथ में। एक इंसान अपने रिश्तों को लेके वर्क कर रहा है, समझ रहा है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको उन चीज़ों के लिए स्टैंड लेना है जिन चीज़ों के लिए उसने स्टैंड नहीं लिया है, तो यहाँ पे एक स्टैंड अप वाली एनर्जी नज़र आ रही है। दूसरा यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आपको लेके, जैसे कि यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी विद एस ऑफ कप्स के साथ में आई है, तो ये है कि ये चूज़ करेंगे, ये कहीं ना कहीं चॉइसेस लेंगे आपके पर्सन अपनी लाइफ में आपको लेके, कि वो आपको अपना प्यार या साथ ऑफर करें। ठीक है, जो इन्होंने अब तक मे बी नहीं किया है, मे बी दो चॉइसेस लेके चल रहे थे, एक ऑलरेडी इनके पास में थी, दूसरी भी डेवलप करी थी, तो इसीलिए देख पा रही हो अब ये कहीं ना कहीं अपने आने वाले भविष्य को लेके, अपने आने वाली सोच को लेके एक तरह से ये एक्शन लेंगे जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आगे लेके जाएगा। राइट, इस रिश्ते में आगे बढ़ना, मूव ऑन करना, वेलकम करना अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, और जो पेन है उसको रिलीज़ करना, एक प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पर नज़र आ रही है जो कहीं ना कहीं यही दिखाती है अब आपके पर्सन को, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग है इस रिश्ते में कि इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और उनको इनको पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ एंड ऑफ ए डिप्रेशन और इनलेस, यहाँ पे कहीं ना कहीं डिप्रेशन का एंड हो रहा है आपके इस रिश्ते में। आपके पर्सन यही चाहते हैं कि वो आपकी फैमिली को सपोर्ट करें, आपके रिश्ते को सपोर्ट करें, आपके लव को सपोर्ट करें और आगे बढ़े। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो सिक्स ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल के साथ में आई है, वो यही दिखाती है कि ये मैनेज करेंगे कहीं ना कहीं अपने एक्शन को। दूसरा, ये अपनी पब्लिकली जो इमेज है उसको सुधारेंगे, आपकी नज़रों में जो इनकी इमेज बन चुकी है प्लेयर वाली, मैन्युपुलेटर वाली, और कहीं ना कहीं दो नावों में सवार होने वाली, कि इनको
दोनों ही रिश्ते चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं अपनी इमेज को आप सुधारने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि एक तो आप इन्हें इस तरह से ना देखें, इनकी इमेज सुधरे, दूसरा लोग आसपास के लोग भी इनके बारे में ऐसा कुछ ना सोचें, इनको कहीं ना कहीं क्लीन चिट मिल जाए अपनी लाइफ के अंदर, एक सही तरीके से अपनी लाइफ को ये जी पाएँ, वो चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये अपनी इमेज को सुधारना चाहते हैं सबसे पहले आपकी नज़रों में, अपने परिवार की नज़रों में, बच्चों की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में, सबकी नज़रों में, क्योंकि ये इनका एक आस्पेक्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, राइट। तो इनकी तरफ से आप यही देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी लाइफ में इमेज अपनी क्लीन कर रहे हैं, जैसे कि ये एक रिस्पेक्टेड अपनी लाइफ में चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, केयर चाहते हैं, ठीक है, और एक सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते के अंदर, वही मुझे नज़र आ रहा है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, लेकिन हाँ ये है कि अब ये पर्सन वो सारी चीज़ें निकाल देंगे अपनी लाइफ से जो कहीं ना कहीं इनके लिए सर्व नहीं करती हैं, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, वो चीज़ें गाइस मुझे नज़र आ रही है कि ये कहीं ना कहीं अब फोकस्ड नज़र आएंगे अपनी लाइफ के अंदर कि इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सो दैट अपनी लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से ये जी सके, स्टेबल लाइफ को जी सके, यहाँ पर अप एंड डाउन नहीं चाहिए आपके पर्सन को यहाँ पर, अब राइट। तो ये है व्यूवर्स एनर्जी आपके लिए, आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।